हेलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म करने वाले आप इस चैनल तो पर नए हैं तो बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिस ना करें चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का लिया गया था वो अरिस्टोटल जचा नहीं लिया था इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स में और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था रेड ब्लड वाले और बिना रेड ब्लड वाले बट अगेन ये मेथड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा उसके बाद लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया लीनियस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को प्लांटे और एनिमिलिया में बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे पहला कि यूनिसेल्योर और मल्टी ऑर्गेनिज्म एक साथ रह गया क्लामाइडो और स्पाइरोगैरा को एक साथ एलगे में डाल दिया फंगाई को अलग नहीं रखा ठीक है तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल कर गया फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे अर्नेस्ट हाइकल ने दिया अर्ने ने एक और किंगडम आर्ट कर दिया यूनिसेलर यू कैरियो को इन्होंने में डाल दिया ठीक है और फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया उन्होंने जितने थे उनको किंगडम मोनेरा में डाल दिया फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया विच वॉज एच बायरकर विटिकर ने फिर उसको क्लासिफाई किया मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई एंड एनिमिल किस किस बेसिस पे बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किस बेसिस पे क्लासिफाई किया सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है एंड फिलोजेनेटिक फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप 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 आई मीन इवोल्यूशनरी ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी सवाल आता है पहला देख लो यहाँ पेलवॉल इसका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा ठीक है यूटिस्टा में किसी किसी में सेलवॉल प्रेजेंट होगा अगर होगा तो पेलिकल का बना होता है इन केस ऑफ ठीक है यूगलीनाट में बात करोगे तो सेलवॉल काइटिन का बना हुआ है प्लांटे में बात करोगे तो सेल्यूलोस का और मेमिलिया में बात करोगे सॉरी में बात करोगे तो एपसेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकी सब में प्रेजेंट होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्युलर फिर उसके टिश्यू या ऑर्गेन सिस्टम आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में है हैट्रोट्रॉपिक है दोनों आ गया सैप्रोफिटिक पैरासिटिक सब है यू में ऑट्रोट्रॉपिक हो सकता है हो सकता है फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक ज्यादातर स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है

स्पाइरल इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है पहले आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो तीन तरह के आर्की बैक्टीरिया होते हैं सॉल्टी एरिया में है तो हेलोफिल्स है हॉट स्प्रिंग में है तो थर्मो एसिडोफिल्स है और मार्सी एरिया में है तो मिथानोजें सेल्वर डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द अदर प्रोकैरियोट्स ठीक है

जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कराते हैं ये स्पेशलाइज सेल से कराते हैं स्पेशल है? क्या हुआ कीमोसिंथेटिक क्या करेगा वो तुम्हारा अगेन ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया एंड यूज दिस फॉर एटीपी प्रोडक्शन तो ये ज्यादातर डीकम्पोज होते क्लियर क्लियर है चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या क्या है भैया लैक्टोबैसिलस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम वगैरह ठीक है और फिर डिजीज कॉज करता है कोलेरा कोलेरा टाइफाइड सेलमोलेरा टाइफाइड है ना सिट्रस कैंसर कैंकर, कैंकर तुम्हारा जैंथोमोनास सिट्राई ठीक है रिप्रोडक्शन कैसे होता है ज्यादातर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाता है स्पोर्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, है. है क्या ऑर्गेनिज्म विदाउट वॉल ठीक है दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एंड दे ऑक्सीजन सब पे सवाल आया हुआ oxygen, है दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ठीक है तो आपका किडना मोनेरा खत्म हो गया प्रोटिस्टा की बात करें सिंगल सेल यू जो है तुम्हारे वो प्रोटिस्टा होते हैं द सेल कंटेंट्स बिल्कुल अदर मेब्रियन बॉन्ड प्रेजेंट किसी के पास सीलिया और सीलियला भी होगा प्रोटिस्टा ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं ठीक है दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल्स एंड फंगाइट किसी में नहीं आते वो फिट ठीक है भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या क्या चीज हो गया क्राइजोफाइड डाय स्लाइम एंड प्रोटोजो की बात करो वाटर में भी पाया जाएगा मेरा इनवायरमेंट में भी माइक्रोस्कोपिक होता है वाटर करंट के साथ फ्लोट करता है इसलिए इसको कहते हैं, ज्यादातर डायटम है, होता है, विच गोल्डन जिसको कहते है।, है जो दो ओवरलैपिंग शेल की तरह बात करता है जो साबुन के डब्बे जैसा लगता है ठीक है इसका डिपॉजिट होता है और इसको हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं दी आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन तो याद रखिएगा तो ये सब क्राइजोफाइट में आ गया डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन क्या क्या हो गया गोल्डन आल और डायटम्स तुम्हारा क्राइजोफाइट का पार्ट हो गया ठीक है क्या क्या का काम होता है यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिर्फ डायनोफ्लाइजलेट मेरीन है फोटोसिंथेटिक है येलो ग्रीन ब्राउन रेड बेस्ड ऑन द पिगमेंट सेलवॉल में स्टिफ सेलोस प्लेअर्ट होते हैं इस पर सवाल आया हुआ है दो फ्लैजिला होता है और जो ये मूवमेंट होता है ये वॉर्लिंग मूवमेंट होता है मतलब एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है और एक लॉन्गिट्यूनल होता है मतलब एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो गया है ना तो एक ट्रांसवर्स फ्लाजिला होता है एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और जो मूवमेंट होता है उसको वॉर्लिंग वोप मूवमेंट होता है रेड डायनो फ्लैज जैसे गोनियोलेक्स ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन अंडरगो करता है और रेड टाइड दिखाता है ये टॉक्सिन रिलीज करता है इसको सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं

इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फ्लैजेला ठीक है स्लाइम मोल्ड की बात करेंगे सेप्रोफिटिक प्रोटेस्ट है ठीक है दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विक्स एंड इनगल्फ करते हैं सुटेबल कंडीशन में ये फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम विच कैन स्प्रेड अप टू सेवरल फीट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करते हैं स्पोर्स बनाते हैं एंड देयर स्पोर्स हैव ट्रू वॉल बहुत इंपॉर्टेंट बात है देयर स्पोर्स हैव ट्रू वॉल एंड

ठीक है में में आ आ गया गया ठीक है और स्पोरो में आ गया तुम्हारा मलेरियल पैरासाइट या प्लास्मोडियम ठीक है तो इससे तुम्हारा प्रोटेस्टा खत्म हो गया इतना ही पढ़ना है इससे बाहर नहीं जाना ठीक है फंजाइ की बात करोगे तो किंगडम फंजाई हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपोलिटियन है कहीं में मिल जाएगा तुमको तो ग्रोज इन ह्यूमिड प्लेसेस ठीक व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स ये भी तुम्हारा फंजाई होता है ठीक है सम फंजाई एंटीबायोटिक्स करते हैं पेनिसिलियम यूनिसेलुलर फंगाई है टू मेक ब्रेड एंड बियर सेक्टेर की बात कर ठीक है फंगाई डिजीज भी कॉज कर सकते हैं स्ट इन वीट इसिया इसमें सवाल आया हुआ ये है यह भी इंपॉर्टेंट है ठीक है एक्सेप्ट ईस्ट आर फिलामेंटस बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम कहते हैं ठीक है हाइफे अगर है विथ मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाजम तो इसको सीनोसेटिक हाइफे कहते हैं जिसके पास सेप्टम नहीं होगा ठीक है तो क्या होगा सीनोसेटिक है जिसके पास सेप्टम नहीं है अगर सेप्टम है तो सेप्टेट हो गया ठीक है फंगल सेल वाल बना होता है

डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं तो इसका जो डिविजन होता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ओनली ठीक है है सेक्सुअल स्टेप तीन होता फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज कैरियोगी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड मियोस वहां पे जिससे स्पोर बनता है तो तीन स्टेप में होता है प्लाज्मोगी कैरियोगी एंड म्योसिस ठीक है वे फंगस रिप्रोड्यूस एक्स सेक्सुअली दो हैप्लॉयड हाईपे बनते हैं और वो दोनों में फ्यूज हो जाते हैं ठीक है

तो चार तरह का फंगाई है फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंगाई कहते हैं अकर्स इन एक्वाटिक हैबिटेट ठीक है माइसिलियम एसेप्टेट और सीनोसेटिक मतलब मल्टीनिक्लेट हो गया ठीक है एसेक् रिप्रोडक्शन जू स्पोर और नॉन ए प्लानोस्पोर से भी हो सकता है दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोरजियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर है यहां पर देख लेना ठीक है तो मतलब फाइकोमाइसिटीज में कौन सा स्पोर है Zygo, Spore है. Gamets, हो सकते हैं एग्जाम्पल याद रखिएगा म्यूकर राइजोपस, एलब्यूगो इट इज पैरासिटिकॉन मस्टर्ड इंपॉर्टेंट इस पर सवाल है एलब्यूगो इज पैरासिटिकॉन मस्टर्ड इस पर सवाल आया हुआ है ठीक है एस्कोमाइसिटिस की बात करेंगे सैक फंगाई यूनिसेल्योर है मल्टी सेल्योर है दोनों हो सकता है मल्टी सेल्यूर में तुम्हारा पेनिसीलियम आ जाएगा यूनिसेल्यूर में आ जाएगा ठीक है ब्रांच और सेप्टेट आ गए यहां पे सेप्टेट था वहां पे ए सेप्टेट था ठीक uh, मतलब, है सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक और क्रोपियोफिलस मतलब फीड्स ऑन डंग या पॉटी पे खाता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनीडिया कोनीडियोस्पोर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटी सैक फंगाई कहते हैं इसलिए एस्कोमोस्टर ठीक है फ्रूटिंग बॉडी एस्को कार ठीक है एग्जाम्पल एस्पर जिलस क्लाविसेप्स

की बात करेंगे इसको फंगी कहते हैं इसका स्टेज हमको पता नहीं है सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज हमको पता है स्टेज हमको नहीं पता है जब सेक्सुअल पता चल जाता है तो फिर हम उसको जिसमें क्लासीफाई करना होता है क्लासीफाई कर देते हैं रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल बाईक माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच से है कोलेटो ट्रिकम एंड ट्राइकोडर कोलेटोट्रिकम एंड में क्या है

Mycelium होता है और ये यह बनाता है और इसका ए तो तुमको ये सब चीज इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिस पे सवाल आ सकता है किन्नर प्लांटे की बात करोगे प्लांटे में तो आप तो डिटेल में पढ़ोगे सेलवोल सेल्डोज का बना हुआ है पैरासिटिक होते हैं कसकटा ठीक है कुछ कुछ तुम्हारे इंसेक्टिवर्स होते हैं ब्लैडर वर्थ और वेनस फ्लाइटर या तुम्हारा डेफेंथस हो गया ठीक है

ट्रूली लिविंग इट इज इन नॉट आउटसाइड इट इज इन नॉट आउटसाइड ठीक है तो वायरस अन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सर ऑब्लिकेट पैरासाइट होता है सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म मिलेगा वायरस का, का. लुइस पैचर गेव द नेम वायरस अब यहां पर कंफ्यूजन रहता है कहीं कहीं तुम्हारा डीजे इवेनास्की भी दिया हुआ है ठीक है तो अब नई एनसीआरटी में तुम्हारा डीजे इवेनास्की दिया है तो यही याद रखना ठीक है इवेनोस्की डिस्कवर किया था टीएमवी ठीक है टोबैको मोजाइक वायरस को डिस्कवर किया था ये इवेनोस्की ने इसको क्या बोला कंटेजियम विवम फ्लूइडम इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड और स्टेनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया था क्रिस्टलाइज किया था डब्ल्यूएम स्टेनली ने ठीक है वायरस के पास न्यूक्लियोप्रोटीन होता है मतलब एक प्रोटीन कोट है और एक जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए हो सकता है आर एन हो सकता है दोनों नहीं हो सकता जनरली प्लांट वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आर होता है और एनिमल वायरस के पास आर और डीएनए दोनों हो सकता है दोनों मतलब कि दोनों में से कोई एक हो सकता है ठीक है इसका एक्सेप्शन लिख लो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस ये प्लांट वायरस होता है इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है तो इसको एक एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका ठीक है कैसपिड छोटे सब यूनिट के बने होते हैं जिसको कैसफोम कहते हैं कैप्सोम किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं वायरस कुछ डिजीज कॉज करते हैं जैसे मम्प स्मॉल पॉक्स हर्पीज इन्फ्लुएंजा इंफ्लुएंजाइट प्लांट्स में भी वायरस डिजीज कॉज कर सकते हैं ठीक है तो टोबैको वायरस ये देख लो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए और ये कैसफिड है प्रोटीन कोट है ये बैक्टीरियो फेज है हेड है, कॉलर शीत और इसमें क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जेनेटिक मटीरियल ठीक है साय एक्स वन सेवन फोर में तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इस पर भी सवाल आया हुआ है ठीक है अब सवाल आता है वायरॉइड पे वायरॉइड क्या होता है इंफेक्शन एजेंट है लो मोलिकर वेट आर एन ए होता है प्रोटीन कोट इसमें नहीं होते दिस इज स्मॉलर देन वायरस डिस्कवर किया था टीओ डायनर में और बीमारी कॉज करता है ये प्लांट में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ठीक है ठीक है ये वाला लाइन फिर से रिपीट कर दिया ठीक है थीके? तो वायरॉयडन इन्फेक्शियस एजेंट विथ लो मॉलिकुलर वेट आ रहे एंड नो प्रोटीन कॉड देस दिन पोटेटो स्पिडल ट्यूबर डिजीज प्राय प्रायस लिख दो लिविंग इनफेक्शियस प्रोटीन इसको हम प्रायस कहते हैं ठीक है क्या कॉज करता है ये स्क्रेपीज डिजीज ठीक है और क्या कॉस्ट करता है बी एससी वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनसे फैलाती और मैडकॉ डिजीज कैटल में कुरू डिजीज और क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज तो ये सारे के डिजीज हो गया ठीक है तो तुमसे आएगा कैटल्स में क्या कॉस करता है तो मैडकॉ डिजीज और अगर हम बात करें में तो ह्यूम्रूसफेल्ड जेकब डिजीज क्रेपीज तुम्हारा शीप में कॉस करता है तो प्रायॉन्स भी तुम्हारा लिविंग इंफेक्शियस प्रोटीन है इसके पास जेनेटिक मटीरियल नहीं होता लाइक सिंबायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गियलगियल कंपोनेंट फाइकोबाइंट है फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट है ठीक है एलगे प्रिपेयर्ड फूड फॉर फंगाई फंगाई तुम्हारा न्यूट्रिशन और सेल्टर देता है लाइक गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते इट इज सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड इट इज सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर है कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहां तक चल हमने कंप्लीट कर लिया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वे ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें यह आपको मेरा टेलीग्राम चैनल टी डॉ एम ईश कस आनंद मनी जीरो जो वन मिल जाएगा आई इन क्लास टेक केयर बाय एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू